ऑब्वियसली जॉब्स वगैरह लाइक क्रिएट होती हैं, ये हो तो आपको सच में जॉब जल्दी मिल जाएगी, वो है स्मार्ट सर्व लाइसेंस। सारी जॉब्स हैं, आप ट्राई तो करो, आप कोशिश तो करो, आप पढ़ रहे हो तो आपको पैसे देते हैं, पढ़ते पढ़ते हर 4-5 महीने में पैसे मिल जाते हैं। ये जॉब से आपकी जो जॉब पेड सैलरी होती है उससे अलग मिलता है। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो भाई ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इसको भी हाथ में अपने रिज्यूमे मत दो कि यार मुझे जॉब चाहिए, ये लो रिज्यूमे। रिज्यूमे के साथ एक कवर लेटर लगाओ। 5 जॉब्स तो मैंने इजीली निकाल ली थी, मैं टिप्स पे मुझे 5 जॉब्स पता है मेरी जो मैंने निकाल ली थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं बात करने वाला हूँ पार्ट टाइम जॉब्स की। टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स की कंडीशंस क्या है, आप किस तरीके से उनको ले सकेंगे, या आप अगर नए स्टूडेंट हैं आए हैं या नए वर्कर आए हैं, अगर आप पीआर पे भी हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स की अभी करंट सिचुएशन कैसी है, आपको क्या करना चाहिए कि आपको जॉब मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना कमेंट जरूर छोड़ना ताकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता रहूं। कोई भी आपके क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है, वो मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा और आपको जितनी ज़्यादा हेल्प मेरी तरफ से होगी मैं उतनी तरफ से आपको हेल्प देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। तो अभी रियलिटी क्या है? तो गाइज, मैं पूरे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पूरी रिसर्च करता हूँ, प्रॉपर मार्केट में जाता हूँ, पता करता हूँ कि क्या जॉब्स हैं क्या नहीं। तो मैं अगर आपको कंडीशन बताऊँ जो एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ यही है कि पार्ट टाइम जॉब्स वापस आ रही हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा कि फुल आ चुकी हैं या बट रही हैं, भंडारा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, बट पार्ट टाइम जॉब्स बहुत सारी हैं मार्केट में। और बिकॉज सीजन चेंज हुआ है, जैसे कि बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारी सीजनल जॉब्स हैं जो स्टार्ट हुई हैं वापस से, तो पार्ट टाइम जॉब्स वापस से आ चुकी हैं, ऑन द ट्रैक है मार्केट में। जैसे आपको पता चल रहा होगा कि जून का महीना चल रहा है गाइस, तो जून के महीने में क्या होता है कि समर्स आ जाती हैं, लोग घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं, लोग चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करते हैं, लोग टिम हॉर्टन्स पे जाना, पिज्जा हट पे जाना, मतलब रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू करते हैं, बाहर निकलते हैं, फैमिलीज के साथ बाहर निकलते हैं, तो ऑब्वियसली जॉब्स वगैरह लाइक क्रिएट होती हैं जहाँ जो बिजनेसेस हैं वो चलते हैं। तो अगर बिजनेसेस चलते हैं तो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो बंदों को हायर करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब्स क्रिएट होती है। तो जी गाइस, मार्केट में पार्ट टाइम जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, सितंबर तक अक्टूबर तक पीक जाएंगी, फिर विंटर्स आ जाती है, विंटर्स में डाउन होता है। मैं बोलूँगा कि ये सिचुएशन पता क्यों हुई है, ये सिचुएशन हुई है जो 20 घंटे की लिमिट जो गवर्नमेंट ने हटाई थी वो, दूसरा भर भर के इन्होंने वर्कर वीज़ा बांटे हैं पिछले साल। ठीक है, इमिग्रेशन पॉलिसी है, अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे फैमिली मेंबर्स, मतलब मैं खुद बोलूँगा, मैं मेरी वाइफ को स्पाउस वीज़ा मिला था, तो वो चीज़ बहुत बेटर है, सारी चीज़ें बेनिफिट है, बट हाँ उसकी वजह से हाँ जॉब्स में नुकसान ज़रूर हुआ है। तो जी गाइस, अब बात कर लेते हैं कि करंट सिनेरियोस एज अ मार्केट में कहाँ है, क्या क्या है, मैं उनमें बात करने वाला हूँ। मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, मैं कवर करने वाला हूँ सारे उन तरीकों को जो आज की डेट में जहाँ पे सच में अभी भी करंट सिचुएशन में भी भंडारा लगा हुआ है जॉब्स का। जी गाइस, भंडारा लगा हुआ है, मतलब अबंडेंस ऑफ आप बोलूँगा पार्ट टाइम जॉब्स हैं वहाँ पर, जिसमें जो कि स्टूडेंट को, वर्क वीज़ा वालों को, या फिर जो नॉर्मल पीआर होल्डर्स हैं जिनको जॉब, जो जॉबलेस हैं उनको वहाँ पर जॉब्स ईजिली मिल जाएगी। तो मैं बात कर लेता हूँ, मेरी लिस्ट में सबसे पहली चीज़, पहली वो जो चीज़ है वो है मेरी वॉलमार्ट। तो नंबर वन पे है जी वॉलमार्ट। वॉलमार्ट की मैं बात करूँगा, वॉलमार्ट में क्या बेनिफिट होता है कि वॉलमार्ट भाई, वॉलमार्ट का जो कनाडा का सीईओ है उन्होंने खुद बोला है कि वॉलमार्ट 70% ऑफ वॉलमार्ट आर बीइंग रन बाय स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे बेनिफिट वॉलमार्ट का यही है कि वॉलमार्ट में बहुत ज़्यादा पे तो नहीं होता, पे आपको मिनिमम ही मिलता है, बट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वॉलमार्ट। जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ बैरी में, वहाँ के वॉलमार्ट में हर दम जॉब्स निकलती रहती हैं। तो वही वाली बात है कि एक जॉब मल्टीपल टाइम्स वो लोग अपने पोर्टल पे डालते रहते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। मैं मानता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस ज़रूर स्लो होता है, शायद वो आपके लाइक रिस्पॉन्स में डिलो कर दे, आपने एक हफ्ता पहले अप्लाई किया तो आपको रिस्पॉन्स ना आए, तो अगले हफ्ते ट्राई कर लो, बट हाँ ट्राई करते रहो। वॉलमार्ट में काम करने के हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। बेनिफिट कैसे हैं? बेनिफिट पहला तो देखो, देखो वॉलमार्ट में आपको मिनिमम सैलरी मिलती है, थोड़ा सा मिनिमम से थोड़ा सा शायद 5% या 10% ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि अगर आप 15.5 रेट चल रहा है तो आपको 15.65 मिल जाएगा, इतना ही रेट आपको स्टार्टिंग सैलरी वॉलमार्ट के अंदर मिलती है। लेकिन वॉलमार्ट में बेनिफिट यह है कि वॉलमार्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट करता है। हमारे यहाँ की मैं बात कर लूँ, जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ बैरी के अंदर, बैरी में क्या है कि वॉलमार्ट आपको जैसे एक वैकेंसी, लेट्स से उन्होंने कैशियर की वैकेंसी निकाली,
तो कैशियर का ऐसा नहीं है कि वो एक हफ्ते वैकेंसी निकालेंगे उसके तो चार महीने बाद अप्लाई करेंगे। उन्होंने आज कैशियर की निकाली है, वो एक वीक बाद फिर से दोबारा से पोर्टल पे कैशियर की अप्लाई करवाएंगे, फिर से तीसरी बार करवाएंगे। तो आपको क्या करना है एज अ स्टूडेंट, ये टिप है, गोल्डन टिप है, वॉलमार्ट में अगर नौकरी निकालनी है तो एक बार अप्लाई करके छोड़ना नहीं है। जितनी बार वो निकाल रहे हैं ना उतनी बार आप वॉलमार्ट में जाके अप्लाई कर दो। हो सके तो अगर आपका कोई दोस्त यार काम करता है या कोई फ्रेंड वगैरह काम करता है या कोई रिश्तेदार काम करता है उसको बोलो कि भाई अपना रेफरल आईडी दे दे, रेफरल कोड दे दे। तो अपना रेफरल कोड या रेफरल आईडी या फिर ईमेल आईडी भी जो भी उसने वॉलमार्ट में रजिस्टर करा रखी होगी वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप जॉब अप्लाई कर रहे होगे उसको बोलो कि उसको बोलो नहीं आप खुद फिल करो जब आप भर रहे होगे। तो जब आप उसको फिल करवा लोगे और जब उसको डलवा दोगे तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा और थोड़ा सा रेफरल बन जाता है। रेफरल नहीं भी है, मैंने कोई रेफरल नहीं लगाया था पर मुझे वॉलमार्ट के इंटरव्यू रिक्वेस्ट आ गए थे। हालांकि मैं इंटरव्यू नहीं गया था पर मेरे को इंटरव्यू रिक्वेस्ट आ गए थे और एक नहीं कम से कम 5 से 6 बार मेरे पास इंटरव्यू रिक्वेस्ट आई है वॉलमार्ट की। अच्छा किस तरीके से आई, मैंने क्या किया ऐसा, मैं वो भी बात कर लेता हूँ। भाई मैंने पहला तरीका तो मैंने क्या किया था, मैंने रेगुलर अप्लाई करना चालू कर दिया था, मैंने छोड़ा नहीं था अप्लाई करना। मतलब मैं जैसे होता था कि लेट से कि लाइक फ्रेश फूड एसोसिएट की प्रोफाइल निकाली है वॉलमार्ट ने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, पहले हफ्ते निकाली, ठीक है, मैंने पहले हफ्ते अप्लाई कर दिया, मैंने देखा 15 दिन बाद फिर उन्होंने अपडेट कर दी, लेकिन मेरी वाली एप्लीकेशन पर कोई अपडेट नहीं आया। मैंने उसको फिर दोबारा जाके अपडेट कर दिया, उस मतलब अप्लाई कर दिया दूसरे वाली नए वाली पे, फिर उन्होंने तीसरी बार निकाल दी, मैंने तीसरी बार अप्लाई कर दिया। तो वॉलमार्ट ने क्या किया, जब मैंने थर्ड बार सेम टाइम अप्लाई किया तो मुझे ऑटोमेटिकली वॉलमार्ट ने भेज दिया कि एक बार भाई तू आ जा इंटरव्यू दे ले। पर मैं हालांकि मैं मेरे करंट जॉब की वजह से टाइम क्लैश हो रहे थे, वो एक टाइम देते हैं लिस्ट बनाते हैं, तो उसकी वजह से मैं इंटरव्यू दे नहीं पाया था। बट हाँ ये सारी बातें सच हुई थी, ये बात सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। तो वॉलमार्ट में ये है बेस्ट। अब वॉलमार्ट के बेनिफिट की बात कर लूँ, भाई वॉलमार्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे उनको एक दिन मिलता है महीने में जिसमें उनको 20% डिस्काउंट मिलता है वॉलमार्ट से, अलग से एक्सक्लूसिव डिस्काउंट होता है। और मेरे एक फ्रेंड बता रहा था कि मार्च के महीने में या शायद कोई साल के कोई महीने के अंदर उनको शेयरिंग में भी थोड़ा सा बोनस मिलता है काइंड ऑफ। तो वॉलमार्ट में काम करने के बड़े बेनिफिट है। मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया कि वॉलमार्ट कैसे अप्लाई करना है। मैं बात कर लेता हूँ मेरे दूसरे ऑप्शन की जो एज अ स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हो, वो है टिम हॉर्टन्स। भाई टिम हॉर्टन्स की मैंने वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, देखनी हो तो मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ टिम हॉर्टन्स में, टिम हॉर्टन्स पे फोकस इतना क्यों करता हूँ क्योंकि यार कनाडा और टिम हॉर्टन्स का बड़ा ही अनमोल रिश्ता है। रिश्ता कैसे है कि यार कनाडा में ना मैं कह रहा हूँ किसी भी जगह चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ आपको टिम हॉर्टन्स ज़रूर मिलेगा। और टिम हॉर्टन्स एकमात्र ऐसी चीज़ है जो विंटर्स में तो दुनिया के बिजनेस से डाउन होते हैं लेकिन टिम हॉर्टन्स ऊपर चला जाता है क्योंकि भाई उनका काम ही कॉफ़ी बेचना है। टिम हॉर्टन्स में मैं स्टूडेंट्स को यही टिप दूंगा, अगर आपको जॉब निकालनी है ना तो टिम हॉर्टन्स में क्या करो, टिम हॉर्टन्स को छोड़ो ही मत। आपके एरिया में 15 टिम हॉर्टन्स है ना भाई, आप 16 टिम हॉर्टन्स में अप्लाई करो, ठीक है, अपने एरिया से एक फालतू बाहर वाले एरिया में भी अप्लाई कर दो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अप्लाई करके छोड़ना है, हमें ये नहीं करना, हमें जब तक जॉब नहीं मिलती ना तब तक छोड़ना ही नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वो वाला हिसाब अपना रखना है, वो वाला एटीट्यूड रखना है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है, आपको अप्लाई करना है, रिज्यूमेज ले लो भाई। एक दिन अपना डेडिकेटेडली वीक में ऐसा बनाओ जिसमें आपको रिज्यूमे ही बांटने सुबह से लेकर शाम तक, और रूट सेट कर लो, जैसे होता है ना डिलीवरी पैकेज वाला अपना रूट सेट करता है, ऐसे आप रूट सेट कर लो जिसमें भाई मुझे अभी 10 यहाँ के रेस्टोरेंट्स में रिज्यूमे बांटने हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर लंच करूँगा, फिर मैं आगे 15 रेस्टोरेंट्स या फिर 15 चीज़ों में जाके अपना रिज्यूमे बांटूँगा। हाँ जी, तो ये सारा अब मैंने आपको टिम हॉर्टन्स का बताया। अब टिम हॉर्टन्स दो तरीके से अप्लाई होता है, आप सीधा जाके रिज्यूमे भी डाल सकते हो, ठीक है, और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही तरीके यूज़फुल होते हैं। पर मैं बोलूँगा कि आप इन पर्सन जाओ, सीधा शिफ्ट मैनेजर से बात करो या मैनेजर से बात करो और उसको अपनी कंडीशन बताओ कि यार मुझे जॉब चाहिए, मैं कितना डेस्पिरेट हूँ जॉब के लिए, मैं कितना हार्डवर्किंग हूँ, और बस अपने बारे में बता दो, चीज़ें बता दो, ऑब्वियसली ये सब बता दो कि यार मेरे को शिफ्ट की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टिम हॉर्टन्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है शिफ्ट्स की, जो पहले बंदे टिम हॉर्टन्स में काम कर रहे होते हैं वो अपनी शिफ्टें छोड़ते नहीं हैं, और जो ऑड टाइमिंग होते हैं जैसे सुबह 5 बजे या रात को 3 बजे, उस पर बोल दो भाई हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, महीने 6 महीने काम करो, उसके बाद बोल दो कि भाई मैं नहीं कर सकता। ऑब्वियसली जब तुम्हारे काम की क्वालिटी उन्हें पता होगी तो वो खुद आपको आपके अकॉर्डिंगली टाइमिंग की शिफ्ट दे देंगे। तो
अभी के लिए सिचुएशन के लिए जॉब लेने के लिए आप ये वाला तरीका कर सकते हो। ठीक है, तो ये था जी टिम हॉर्टन्स में जॉब निकालने का सबसे बढ़िया तरीका। अब मैं बात करता हूँ भाई मेरे तीसरी एस्पेक्ट की, या तीसरे ऑप्शन की कह सकते हो। मेरा तीसरा ऑप्शन है जो जितने भी आपके गैस स्टेशन होते हैं ना, छोड़ो मत। ठीक है, गैस स्टेशन क्या है कि गैस स्टेशन हैं वहाँ पे क्या होता है, कन्वीनियंस स्टोर होते हैं। तो जी के सारी उनकी कमाई वहीं से होती है। जो मेरे ओनर्स थे, जो मेरे प्रीवियस ओनर थे, जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, उनके गैस स्टेशन भी थे। तो मैं उनसे जनरली क्यूरियसली पूछता रहता था कि यार क्या आपके तरीके हैं, कैसे आप जॉब निकालते हो, क्या निकालते हो। तो वो साफ बोलते थे कि यार गैस स्टेशन में ना फ्यूल से कमाई नहीं होती, कमाई सारी कन्वीनियंस स्टोर से होती है। तो जो कन्वीनियंस स्टोर पे बंदे काम कर रहे होते हैं ना, वो उनके लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं और वो कभी डाउन नहीं होता। सर्दियों में भी पेट्रोल भरा जाता है, हालांकि कम हो जाता है थोड़ा बिजनेस, लेकिन डाउन नहीं होता। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो कन्वीनियंस स्टोर पे। बड़ी इजी जॉब होती है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होती, सिटिंग जॉब होती है, थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाले, अटेंशन रखने वाली जॉब होती है। आप लेकिन वो जॉब निकाल सकते हो, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। अच्छा, तरीका क्या तरीका है भाई? वो सिर्फ और सिर्फ तरीका है उसका निकालने का, इन पर्सन जाके रिज्यूमे दे के आना है। इन पर्सन जाओ, अपना रिज्यूमे दो, अपनी टाइमिंग बताओ, बोलो भाई मैं नाइट शिफ्ट भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, पूरा बता दो, अपना गंगा जमुना बहा दो उनके सामने, और वहाँ पे जॉब निकाल लो। और निकल भी जाती है, ऐसा नहीं है, हार्ड नहीं है, बड़ी इजीली आपको जॉब मिल जाती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डेली उस गैस स्टेशन पे विजिट करो, जाके बोलो भाई मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, अपनी डेस्परेशन दिखाओ। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला, जब तक मिलेगी नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, बार बार उस जगह पे जाते रहना और जॉब निकालनी है। मैं बात करूँगा मेरे चौथे तरीके की लोकेशन चेंज करने के बाद। तो गाइज, मैं बात कर लेता हूँ मेरे चौथे एस्पेक्ट की, या चौथे ऑप्शन की, जो कि है वेयर हाउस जॉब्स। गाइज, वेयर हाउस जॉब्स का बेनिफिट क्या होता है, पहले मैं बात कर लेता हूँ वेयर हाउस जॉब्स होती कौन सी है। तो वेयर हाउस जॉब्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है जैसे कि अमेजोन, या फिर अमेजोन वेयर हाउस, या फिर फेडेक्स। तो अच्छा, इनका बेनिफिट क्या होता है, काम क्या होता है, मैं सारी बारे में बात करूंगा। तो भाई पहली बात तो तुम्हें लेना कैसे है, बात की बात बाकी करेंगे। लेना ये है यार, इनको लेने का तरीका है कि भाई अमेजोन तो बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो करता है, अमेजोन रिज्यूमेज नहीं होल्ड करता कि आप इन पर्सन जाएंगे, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और अगर आप रेफरल डालते हो अमेजोन में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपको अमेजोन के लिए तो फॉर श्योर आपको कोई पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको रेफरल डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ फेडेक्स की। फेडेक्स के अंदर यार बेनिफिट क्या होता है, फेडेक्स के अंदर बेनिफिट होता है आपको ये स्टूडेंट स्टूडेंट एजुकेशन प्रोग्राम इनका कुछ होता है, जिसके अंदर ये आपको आप पढ़ रहे हो तो आपको पैसे देते हैं, पढ़ते पढ़ते हर 4-5 महीने में पैसे मिल जाते हैं। ये जॉब से आपकी जो पेड सैलरी होती है उससे अलग मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इनका एक एजुकेशन प्रोग्राम है कि अगर आप वहाँ पे काम करते हो तो आपको मिलता है। अच्छा, फेडेक्स की जॉब कैसे लेनी है, आप फेडेक्स की साइट पे जाएंगे, फेडेक्स करियर कनाडा, जिसमें गूगल पे कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके एरिया के। अगर फेडेक्स है आपके एरिया में तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो एक वीडियो दिखाते हैं इनिशियली, और पूरा का पूरा आपको अप्लाई करना होता है, आपको शिफ्ट होता है, और उसके बाद आपको कॉल आ जाती है कि आप कैसे होता है, पूरा टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि अच्छा आपको यहाँ आना है, फलाना टाइम पे आना है, और आपका पहले थोड़ा सा प्रोसेस होगा, थोड़ी सी मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, उसके बाद आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो भाई फेडेक्स और वेयर हाउस जॉब्स, या अमेजॉन वेयर हाउस जॉब्स, या फिर यूपीएसए कंपनी है जिसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, इनका पे बहुत अच्छा होता है गाइज। इनका पे होता है $17 का, जो कि आप बड़ी ईजीली अपना स्टूडेंट लाइफ, अगर आपके पास $17 का पे है और आप 20 घंटे भी काम करते हो, तो आप रेंट अपना वैसे खर्चा, आईफोन का खर्चा, या बिल का खर्चा, जितना भी आपका जो भी फ़ोन फान का खर्चा है, जो भी यूटिलिटी बिल है, वो सब इजीली आप बड़े इजीली आराम से निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये था मेरा चौथा एक्सपेक्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ पांचवे एक्सपेक्ट की। वैसे तो मैं ये इसको लीस्ट ऑप्शन लेता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जॉब्स आपको इसी ऑप्शन में मिलेंगी। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो भाई ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये पांचवा ऑप्शन है मेरा रेस्टोरेंट चेन, जिसमें आते हैं हमारे मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब मैकडॉनल्ड्स निकालता है। नंबर 2 पे सबवे में भी जॉब्स बड़ी ली मिल जाती हैं, और अभी मिल रही हैं, आजकल सबवेज में जॉब हैं। तीसरा है बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स तो ऐसे हैं यार, मैंने कभी यहाँ पे हायरिंग बंद नहीं देखी। मैंने विंटर्स में भी देखा ये लोग हायर कर रहे थे, मैंने
समर्स में तो होता ही है, और फॉल के टाइम पे जब आप सितंबर इनटेक में अगर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे तो सबसे पहले पहुँचना है और एक जॉब निकालनी है जो कि आपकी टेम्परेरी होगी। मैकडॉनल्ड्स की मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना दी है, ये भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मैं यहाँ पे इसका लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के साथ चलता चलता, जो आप देख सकते हो कि कैसे उन जॉब्स को निकालना है, कैसे उनको करना है, और बड़ा इजीली है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ दोनों ही जॉब्स के लिए क्या करना होता है। दोनों जॉब्स में आपको इन पर्सन, मैकडॉनल्ड्स में तो यार आपको एक ऑनलाइन टूल होता है उनका, वहाँ जाके वो पूरा टेस्ट वेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन वोशन लेते हैं, तब जाके आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं। और बर्गर किंग में आप इन पर्सन जा सकते हो, उनको जाके रिज्यूमे दे सकते हो, और सबवे में भी सेम होता है, आप जाओ उनको रिज्यूमे दो, थोड़ा अपना रेस्टोरेंट चेन का एक्सपीरियंस बना सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, तो आप ये करके अपना निकाल लोगे। पे क्या होता है, पे की बात करूँ तो पे की बात होती है 16 के करीब आपको पे मिल जाता है, 15.5 जो मिनिमम होता है वो मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा कई कई रेस्टोरेंट्स में 16 भी मिल जाता है। अच्छा, और मैं बात करूँ कि काम कैसा होता है, काम थोड़ा हार्ड होता है यार, पर ठीक है यार, अभी काम लेना है, चाहे हार्ड हो चाहे कैसा भी हो, हमें काम करना है, काम करने से मतलब है, तो काम आपको मिल जाएगा, आपको ये तरीके अपनाने हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई टिप की, टिप है सबसे पहली टिप है अपना रिज्यूमे कैसा बनाएं। तो गाइस जब आप जॉब लेने जा रहे हो ना, जब जॉब लेने जा रहे हो तो सबसे पहले अपना रिज्यूमे उस हिसाब का बनाओ। अगर मान लो आपकी एक कस्टमर सेंट्रिक जॉब है, आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, या आप कस्टमर फोकस्ड या कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए जा रहे हो, फ्रंट डेस्क की जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको उस हिसाब का अपना रिज्यूमे बनाना है, आपको वो स्किल्स डालने हैं, रिज्यूमे जॉब के हिसाब से बनाओ। दूसरा, अगर मान लो जैसे कि आपकी अगर फूड चेन की जॉब है तो आप अपना उसमें फूड चेन का एक्सपीरियंस, चाहे इंडिया का, चाहे जेनुइन डालो, चाहे फेक डालो, चाहे ये डालो कि यार मेरे दोस्त का था या मेरे भाई का था या ऐसा कुछ था, आप रिज्यूमे ज़रूर डालें कि मैंने फूड इंडस्ट्री में काम किया हुआ इससे पहले, ठीक है, तो वो ज़रूर बताओ कि मैंने फूड इंडस्ट्री में काम किया। उससे क्या होता है, जब कोई भी एम्प्लॉयर आपको अपनी किचन में एंट्री दे रहा है तो उसका वो अगर आपके पास ऑलरेडी किचन में काम करने का एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए भी बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट है, तो ये चीज़ डालो, ठीक है। अगर आप वेयर हाउस में काम करते हो, जैसे वेयर हाउस की जॉब वगैरह डाल रहे हो, तब भी आप उसको थोड़ा सा एक होता है ना, एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाओ, स्टूडेंट रिज्यूमे मत लेके जाओ, ठीक है। रिज्यूमे से बहुत इंपैक्ट पड़ता है, रिज्यूमे ही पहली आपका पहला फेस होता है, आपकी फोटो, आपकी आइडेंटिटी कार्ड होता है, जब आप नहीं होते तो वो रिज्यूमे ही होता है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वहाँ पे उन बच्चों के सामने, जिनके सबके रिज्यूमे आपके सामने साथ रखे होते हैं वहाँ पे, तो ठीक है रिज्यूमे को थोड़ा प्रोफेशनल बनाओ। दूसरी टिप यही मेरी होगी कि किसी को भी हाथ में अपना रिज्यूमे मत दो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, ये लो रिज्यूमे, ऐसा मत करो। हो सके तो शिफ्ट मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर से जाके बात करो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, अपनी सिचुएशन बताओ, अपने अवेलेबिलिटी बताओ, अपने स्किल्स को थोड़ा सा उनके बारे में डिस्क्राइब करो। हो सके तो अपने रिज्यूमे के साथ एक कवर लेटर लगाओ, नहीं लगा सकते कवर लेटर कोई बात नहीं, तो जाके खुद अपने मुँह जुबानी अपनी तारीफ कर दो कि भाई मैं तो एक कमाल का बनता हूँ, मुझे जॉब आज के हाथ में चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करी थी और शायद 5 जॉब्स तो मैंने इजीली निकाल ली थी, मैं टिप्स पे मुझे 5 जॉब्स पता है मेरी जो मैंने निकाली थी, उसके अलावा मैंने सच में निकाली थी, ठीक है, वो है डेस्पिरेशन। गाइस डेस्पिरेशन मत छोड़ो यार, अगर आपने एक रिज्यूमे दिया है ना कहीं पे तो उसका फॉलोअप लेते रहो बार बार, 2 हफ्ते में नहीं, 3 हफ्ते में नहीं लेना, ये नहीं करना, 2 दिन, 1 दिन में वो लेना है। आपने आज बर्गर किंग में रिज्यूमे डाला, कल जाके उनके पास पता करो कि मैंने कल रिज्यूमे डाला था यार, परसों जाके पता करो मैंने रिज्यूमे डाला था। सच बता रहा हूँ, इस चीज़ से मैंने बर्गर किंग की जॉब भी निकाली थी गाइस, मैंने जॉब नहीं निकाली थी, ऑफर नहीं था, पर मैंने अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा दिया था, फंसी में मैंने सब कुछ कर दिया था यार, और यही लगा लो कि इसी चक्कर में मेरे पास 5 जॉब्स आ गई थी, ठीक है। तो ये थी मेरी टिप नंबर 3। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ मिथ्स की और कुछ बेनिफिट्स की जो आपको जॉब ईजिली दिला देंगे, इसी वीडियो में सारी कवर कर लूँगा, इसके बाद आपको यूट्यूब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो गाइज मैं बात कर रहा था कुछ मिथ्स की, कुछ टिप्स की। तो सबसे पहला मिथ नहीं बोलूँगा, ये मेरी खुद की पर्सनल व्यूज़ हैं यार, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, पर जो लोग कहते हैं कि यार सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लो, सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लो, मुझे लगता है यार सिक्योरिटी का लाइसेंस लेके भी जॉब नहीं मिलती, ठीक है। मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं है, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है यार। अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं 2022 में और 2023 में, तो करीब 6 से 7 लाख बच्चे आ रहे हैं कनाडा में, और जिसमें से कि 50,000 से 25,000 से 50,000 बच्चे ऐसे सिक्योरिटी के लाइसेंस ले लेते हैं। क्या मुझे खुद आप एक बात बताओ, क्या कनाडा हर साल 25,000 से 30,000 सिक्योरिटी, 25,000 भी लगा लो चलो, 25,000 जॉब्स निकाल पा रही है? नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं निकाल रही ना। और जो सिक्योरिटी पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, क्या वो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं?
भाई सिक्योरिटी की जॉब बड़ी कंफर्टेबल जॉब होती है और वो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। लोग सिक्योरिटी की जॉब से पता नहीं यहाँ पे घर तक खरीद लेते हैं, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी की जॉब कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो कोई सेंस नहीं है। जब जॉब क्राइसिस है, रिसेशन है मार्केट में, तो वो सिक्योरिटी का लाइसेंस आपकी क्या हेल्प कर लेगा यार। तो ये मेरा पहला मिथ था जो बच्चे कहते हैं कि यार सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। भाई पर्सनली बोलूं, मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी का लाइसेंस लिया जो आज टिम हॉर्टन्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बात सच्ची है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि टिम हॉर्टन्स गलत है। भाई सबसे बड़ी बात है, कनाडा अपने ये दिमाग से भूत निकाल दो कि छोटी जॉब बड़ी जॉब। कनाडा में हर जॉब की बराबर इज्जत है। जब आप जो जॉब आपकी रोटी पेट भर रही है, जो जॉब आपको हेल्प कर रही है यहाँ सर्वाइव करने में, तो भाई उस जॉब को सलाम है, ठीक है। तो वो टिम हॉर्टन्स में काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी का लाइसेंस बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने ले लिया तो आपको बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो एक लाइसेंस के पीछे मत बैठो, ठीक है। दूसरा लाइसेंस मैं बात कर लेता हूँ, लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं तो मैं बात कर लेता हूँ, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस। क्या ये बहुत ज़रूरी है यार? मैं बोलूँगा कि हाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो यार, फैक्ट्रीज़ हर जगह होती हैं और फैक्ट्रीज़ के अंदर जो पैलेट्स होती हैं, जो हज़ारों लाइक 1000 केजीज़ का जो वेट होता है, 100 से 1000 केजी के बीच में उनका वेट होता है, तो वो कोई मैनुअली बंदा उठा नहीं सकता या खींच नहीं सकता। तो उसके लिए कुछ मशीन्स होती हैं जिसको हम फोर्कलिफ्ट बोलते हैं। अब उस ऑपरेटर का लाइसेंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो ऑपरेटर ऐसे हर किसी को भी वो मशीन चलाने के लिए नहीं दे सकता। तो उस चीज़ के लिए फोर्कलिफ्ट लाइसेंस चाहिए होता है जो कि बच्चों को मिलता है। अब उससे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी यार? उससे जॉब आपको ज़रूर मिलेगी कि जहाँ पर वैकेंसी होगी, ठीक है, बट गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। हाँ, जहाँ वैकेंसी होगी वहाँ आपको मिल जाएगी, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि भाई आपको ये आता है। मान लो फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपके पास ये भी लाइसेंस है, और मान लो वहाँ जॉब क्राइसिस है कि यार वो बंदे, दो बंदे ना हायर करके एक हायर करके, तो ऑब्वियसली आप ही को प्रेफरेंस देंगे। तो अगर आपको, आपके पास अबंडेंस है, आप चेंज चाहते हो, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो इस लाइसेंस के लिए जाना, वरना मैं बोलूँगा इस लाइसेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ नंबर 3 लाइसेंस की, जिसकी आपको मैं बोलूँगा कि बहुत नेसेसिटी है, ये हो तो आपको सच में जॉब जल्दी मिल जाएगी, वो है स्मार्ट सर्व लाइसेंस। अच्छा, ये क्या लाइसेंस होता है यार? देखो, कई कई जगह होती हैं जहाँ पे अल्कोहल सर्व होती है या फिर ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, मोस्टली जगहों पे कनाडा में जो अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे सर्वर लाइसेंस चाहिए होता है। सर्वर मतलब जो खाना सर्व करे, जो ड्रिंक सर्व करे, या फिर जो बारटेंडर्स होते हैं, उस लाइसेंस के लिए हमें चाहिए होता है स्मार्ट सर्व लाइसेंस। 6 से 8 घंटे का एग्ज़ाम होता है, लाइक बहुत इजी भी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोलूँगा, मतलब एवरेज एग्ज़ाम होता है, कोई भी क्लियर कर लेता है। इस लाइसेंस का बेनिफिट ये होता है कि यार ये आपके उस रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खोल देता है जहाँ अल्कोहल सर्व होती है। तो अगर आपके पास स्मार्ट सर्व होता है ना, तो आपके रिज्यूमे स्टार ऐड हो जाता है और आपको जॉब्स वगैरह ईजिली मिल जाती है रेस्टोरेंट्स में। तो अगर कोई आपको रिकमेंड करे ना कि यार तू सिक्योरिटी का लाइसेंस ले ले, तू फॉर्कलिफ्ट का लाइसेंस ले ले, तू स्मार्ट सर्व का लाइसेंस ले ले, तो उससे पूछो क्यों, कितनी जॉब्स हैं भाई तेरे पास, ऐसा कुछ है? अगर वो बोलता है कि हाँ भाई फॉर श्योर जॉब है, तो लो। मैं किसी लाइसेंसिंग टीम के खिलाफ नहीं हूँ या मैं किसी लाइसेंसिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी बात है आपके पास लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक स्किल ऐड हो रहा है आपके पास। बट मैं ये बोलूँगा कि आज के टाइम पे आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए और कौन सी क्या चीज़ चाहिए, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ कवर किया है, ठीक है। तो मेरा यही चीज़ें थी, यही मिथ थी, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं है, सारी जॉब्स हैं। आप ट्राई तो करो, आप कोशिश तो करो, आप जब तक कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे यार, और दूसरों के भरोसे मत बैठो यार, फ़ोनों पे लोगों से बात करके इन सब चीज़ों से जॉब, मैं मानता हूँ ठीक है यार रेफरल चलते हैं, खुद से करो यार, खुद से करो। ये जॉब ले लोगे, अगली कैसे लोगे? मैं अपनी अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी फील्ड में, आईटी फील्ड में, आईटी हब में, टोरंटो में जाके जॉब ली, बैरी में रहते हुए। मेरी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, वीडियो को ज़रूर देखना, और ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो। थैंक यू गाइस।